नमस्ते। अब तक हमने प्रेजेंट टेंस के तीन भेद की चर्चा कर चुके हैं। अब चौथा भेद, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहते हैं, उसकी बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का अर्थ यह होता है कि वर्तमान काल में कोई कार्य बहुत पहले शुरू हुआ है और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वह कार्य लगातार होता चला आ रहा है और कब ख़त्म होगी इसका कोई समयावधि तय नहीं है। अर्थात वह कार्य पहले शुरू होता है और अभी भी वह चल ही रहा है और आगे चलता रहेगा। हमें इस प्रकार के जो भाव जिस वाक्य से आता है वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहलाता है। यानी प्रेजेंट टेंस में वह कार्य लगातार होता आ रहा है, वर्षों से पहले से और काफ़ी समय पहले से होता चला आ रहा है। इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो ऐसे वाक्य में नॉर्मली यह होता है कि आपको उदाहरण मिलेगा, राम कई वर्षों से नौकरी करता आ रहा है। यानी राम ने जॉब या नौकरी कई साल पहले शुरू किया था और अभी भी कर रहा है और आगे करता रहेगा। मैं अंग्रेजी सीखता आ रहा हूँ। वह वर्षों से शहर में रहता आ रहा है। इसमें आ रहा है का भाव या क्रिया में लगा रहता है, जिससे यह पता चलता है कि यह कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं? तो इसको ट्रांसलेट करने का एकदम सिंपल आसान सा तरीका है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज और हैव लिखते हैं। एक नया इसमें एडिशन हम करते हैं, एक नया चीज़ जोड़ते हैं जिसको हम बीन बोलते हैं, बी डबल ई एन, बीन। तो हैज बीन या हैव बीन। और इसके बाद हम यहाँ पे वर्ब में फिर आईएनजी लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब में आईएनजी कॉन्टीन्यूअस में लगाते थे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, लेकिन यहाँ भी आईएनजी लगेगा। फ़र्क यह है दोनों में कि उसमें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते थे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग होता है। हैज बीन और हैड बीन यूज होता है, वर्ब का तीसरा रूप ये वर्ब में आईएनजी लगता है। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का या कोई समय से जुड़ा हुआ कोई आंकड़ा है, कोई डेटा है, तो वह जोड़ देते हैं, जैसे 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से। यह तो इस प्रकार से हमारा वाक्य तैयार होता है। अब हम एक उदाहरण लेंगे। मैं फल खाता आ रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स। आई हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स। आई हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स। मोहन किताब पढ़ता आ रहा है। मोहन हैज बीन रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक, मोहन अकेले है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन होने की वजह से इसमें हम क्या जोड़ेंगे? हैज। मोहन हैज बीन, और फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट जो है इसमें बुक है, तो वह बुक डाल दिया। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस।